गरियाबंद में एक बार फिर से गांजा तस्कर पकड़े गए हैं। इस बार तीन महिला तस्करों को 30 किलो गांजा के साथ मैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तीनों महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जो देवभोग के बस में चढ़कर रायपुर जा रही थी, जहां से ये उत्तर प्रदेश ट्रेन से निकलने वाली थी। थाना प्रभारी शिव कुमार होरा ने बताया कि पुलिस ने तलाशी ली तो बैग में नई साड़ियों में गांजा पैकेट लपेट कर रखा गया था। बता दें कि 4 दिन पहले भी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्यवाही कर MP, राजस्थान, उड़ीसा के तस्करों को लगभग 60 किलो गांजा सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया था। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। थाना प्रभारी मैनपुर के श्री शंकर होरा ने अपने टीम के साथ ने संपर्क सूत्रों से घेराबंदी, नाकेबंदी और पता किया जा रहा था। तो इसी दौरान आज सुबह सुबह के टाइम पर ये रायल बस जो होते हैं से रायपुर को जाती है, ये संदिग्ध हालत में 3 महिलाएं मिली और जो बड़े बड़े उनके ट्रॉली बैग रखा हुआ था, संदेह होने पर उनकी बैगों की तलाश ली गई। तो उसमें लगभग तीनों के पास से 30 किलो गांजा जो तो मार्केट भाव 3 लाख रुपए की है, और तलाशी पर उनके बैग से 10-10 किलो की गांजा आई गई, जो साड़ी के बीच पैकेट नुमा साड़ी पैकेट होती है ऐसा बना के रखी गई थी। और ये तीनों महिलाएं विजय लक्ष्मी 32 साल की है, और सुमा खातून ये 40 वर्ष की है, और कमलावती विश्वकर्मा ये 40 वर्ष की, ये सभी जिला बलिया उत्तर प्रदेश के हैं, जो उड़ीसा से लेकर के अपने बलिया जिला को जाना।